कैसे भैया आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए कहाँ पे रह रहे हो? यार मैं कानपुर का हूँ भैया, और मैं बिट्स पिलानी से हूँ बेसिकली। और हम स्टूडेंट्स लोग मिलके ये चैनल और फेसबुक पेज चलाते हैं, मतलब चलाते क्या, अभी रिसेंटली चालू किया है। और आप एटीवीएफ के एक ऐसे करेक्टर हो जिनका बैक स्टोरी हमें कुछ पता ही नहीं है, तो बस हमारी ऑडियंस जो जानना चाहती है, सर आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब टीवीएफ में कैसे पहुंचे, आप कहां से हो, हमें कुछ नहीं पता है। तो अभी मेरे को बताओ, तुम किस ईयर के पास आउट हो या फिर पास आउट नहीं हुए अभी? मैं 2017 पास आउट हो गया, और अभी मैं अन अकेडमी कंपनी है उसमें काम करता हूँ। अच्छा, मैं 2016 मतलब का पास आउट, सॉरी, जर्नी 2016 का पास आउट हूँ। आवाज आ रही है? जानना चाह रहे थे, आप कहाँ से हो, फिर टीवीएफ कैसे, मतलब प्लान में टीवीएफ कहाँ से आया आपके, और फिर ये ईमानदार शर्मा कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और सिंपल कॉन्सेप्ट बट यूनिक कॉन्सेप्ट। हाँ, तो दरअसल ऐसा हुआ कि मैं हूँ छपरा बिहार से, है ना? ओके भैया, मेरा भी ननिहाल बिहार है। अरे वाह, तो मेरा तो ननिहाल, मेरा घर, मेरा सब कुछ छपरा में ही है, बिहार में ही। मैं अच्छा, वहीं पढ़ा, और 10th के बाद, क्योंकि मैं 10th में बिहार में स्टेट टॉपर था, तो मेरे को पटना भेजा यार। लेकिन पढ़ लेने के बाद ना मेरा मन हुआ कि नहीं यार, पढ़ने टॉप करके भी वो मजा नहीं आया जो चाहिए था, है ना? जी ये तो फेम नहीं चाहिए था मेरे को, कुछ और चाहिए था। तो मुंशी प्रेमचंद ये सब तो मैं पढ़ता था बचपन से, तो ख्याल है राइटर तो एक अंदर हमेशा से था। तो बॉलीवुड की तरफ आकर्षित हुआ मैं प्लस टू करने के दौरान पटना में, है ना, हाँ कि कुछ एंटरटेनमेंट में मुंबई जाके करना है। लेकिन हम लोग का क्या होता है यार, गरीब घर से, मिडिल क्लास घर से, यही होता है कि तुम पापा स्ट्रिक्ट हैं, घर पे तुम्हारे लिए फिल्में देखना भी पाप है। ऐसे में यही होगा ना कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जी अब बीच के रास्ता में यही है कि इंजीनियरिंग करूं और उसमें सपना ये देखते थे कि आईआईटी क्रैक हो जाए तो आईआईटी बॉम्बे ले लेंगे भाई, हाँ और नहीं तो फिर कोई और चीज जो आए मुंबई के करीब हो, बस मुंबई के करीब चले जाना चाहता था। फिर पढ़ाई तो लिखाई नहीं की कुछ खास, लेकिन फिर फरीदाबाद में एक गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा का, उसमें एडमिशन मिला, वहां पे मैं पढ़ा। तो उन दिनों मैंने मेरा बस ये था कि इंजीनियरिंग पास तो करना है, लेकिन यहाँ से फिर निकलने के लिए, समझ रहे हो ना, हाँ तो यहीं से कुछ कुछ करते करते किसी तरीके से मुंबई चले जाएं। तो फिर हुआ कि जॉब ले लेंगे मुंबई में, समझ रहे हो ना, क्या हाँ मुंबई जाने का रास्ता क्या है? हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि मुंबई छोड़ के चले जाएं। कहाँ छोड़ के चले जाओगे भाई, पैसा कौन देगा, क्या करोगे, कौन रहता है? तो उस समय मैं शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू की सेकेंड ईयर में, किसी कैमरा मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, किसी के लैपटॉप एडिट करवा लिया। फिर मैंने एक बैक बेंच के नाम से चैनल बनाया, उस पर वीडियोस बनाने लगा मैं, 2014 की बात है। अच्छा और मैं चैनल्स बनाता रहा, वीडियोस बनाता रहा, मैं रुका नहीं, समझ रहे हो ना। मैं फिल्म मेकिंग सीखता रहा, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखता रहा, सब कोडिंग सीखते थे, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखता था। तो लेकिन 2014 के बाद मेरे को हुआ कि नहीं यार, ये सब कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाना नहीं, मैं कोई बड़ा काम करने के लिए आया हूँ, मैं फिल्म बनाऊंगा। तो मैं फिल्म राइटिंग सीखने लगा, फिल्म की चीजें सीखने लगा, ताकि कहीं एडी लग जाऊं और फिर धीरे धीरे डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन 2016 में मैं मुंबई घूमने के लिए आया, 2-3 दिन के लिए, देखूं कि क्या है। एक दो जगह डायरेक्टर्स ने बोला भी कि एडी बना लूंगा, लेकिन फिर वो कभी फिल्में स्टार्ट ही नहीं हुई। बहरहाल 2016 से 2018 तक मैं सेपियंट नाम की एक कंपनी में क्वालिटी एनालिस्ट रहा, है ना। हाँ और 2016 में इंटरनेट क्रांति आई, उसमें बहुत ज्यादा यूट्यूबर निकल गए, अच्छे सब्सक्राइबर्स फेमस हो गए। फिर मेरे को पछतावा होने लगा कि मैं भी कर सकता था यार, मैंने अगर वो सब छोड़ा नहीं होता तो। मैंने तो बहुत पहले इनसे स्टार्ट किया था। हाँ खैर खैर, मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ उस दौरान खाली बैठा था, मैं फिल्म मेकिंग की सारी चीजें सीख ली थी, स्क्रिप्ट्स मैंने बहुत सारी लिख ली थी। फिर जब रहा नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। हाँ 2017 में मैं छोड़ के मुंबई भाग आया था एक्चुअली,
घर वालों से भी बिना बताए। लेकिन 21 दिन के बाद मेरे पापा ने फोन करके इस तरीके से दुखी होकर बात की कि मेरे को लगा कि सारे दुख उनके मेरी वजह से ही है, तो मैं चला आया वापस ये दिल्ली में ही कुछ काम करते हुए, नौकरी करते हुए कोई फिल्म बनाऊंगा। उस समय भी था कि काम करना है तो पैरेलली मेरा कुछ चलते रहना चाहिए, तो मैं कुछ एक फिल्म जैसा कुछ शूट कर रहा था, शॉर्ट फिल्म जैसा। फिर 9-10 महीने में तंग आ गया, ऐसा लगा कि अब तो मर ही जाऊंगा। तो फिर मैंने अगले दिन से ऑफिस जाना बंद कर दिया, रिजाइन भी नहीं दिया। फिर गुड़गांव में क्योंकि मैंने इतना पैरेलली काम किया था कि 2-4 लोग फेसबुक पे जानते थे, उनकी वजह से मेरे को एक क्रिएटिव डायरेक्टर का काम मिल गया। एक इंटरेक्टिव गेम शो ऐप होता है जैसे लोको वगैरह है आजकल जो, जिसमें तुम लाइव जवाब दो और उधर से एंकर पूछता रहता है। अच्छा। और इनाम मिलते हैं, तो उसमें 4-5 महीने मैंने काम किया, बल्कि उसमें एंकरिंग की, उसमें डायरेक्शन किया, उसका पूरा स्टूडियो सेटअप किया। लेकिन वो कम क्योंकि वो बंद हो गई, तुरंत स्टार्टअप था बंद हो गया। फिर 5 महीने बेरोजगार रहा। अब क्या था, टीवी का तो मेरा सपना देखो 2013 से चल रहा था। 2013 में जब मैंने पहली बार टीवी देखा था, हाँ। मैं तो पागल हो गया था कि भाई ये क्या बनाते हैं और ये किस तरीके का कंटेंट है। और हॉस्टल में मैं ट्रिप करता रहता था, इंटरव्यूज पढ़ते रहता था, हर किसी को मैं एकदम स्टॉकिंग जो कहते हैं ना, हर बंदा जो टीवी पे उसको स्टॉक करता था। और उसी वजह से शायद मैंने चैनल्स अपने खोलने शुरू किए एंटरटेनमेंट के, है ना। लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि आप अकेले हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ सब कोडर बनना चाहते हैं, कैसे करोगे यार, कोई टीम ही नहीं बन पाती थी, आपके पास कैमरा नहीं है, एडिटिंग का मशीन नहीं है, नहीं हो पाया। तो 2015 में हालांकि टाइमलाइनर्स शुरू हो रहा था और टीवीएफ में मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने बुलाया मेरे को एडी के लिए। तो संयोग से उसी दिन प्लेसमेंट था और मैं भाई लोन लेके पढ़ रहा हूँ और माँ बाप को पूरी उम्मीद है कि दो प्लेसमेंट में तो ये छटा गया, इसमें इसकी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने टीवी वालों को ईमेल करके बोला कि कभी और इंटरव्यू ले लोगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने वो दिया प्लेसमेंट सेपिएंट का, क्रैक हो गया। फिर मैंने उनसे बोला कि ईमेल करके कि कब लोगे टीवी वालों, तो उन्होंने बोला हमने ले लिया जिसको लेना था। तो आज भी मेरे को बड़ा पछतावा होता है कि 2015 में भी मैं टीवी में जा सकता था। उस समय निखिल विजय वगैरह वो लोग उस टाइमलाइनर्स में, वो जनरेशन गई। खैर यार, मैं 2018 में 5 महीने बेरोजगार रहने के बाद मैं मुंबई आया। मैंने कहा कि अब जो भी हो, कर्ज हो गया था, पैसे उधार हो गए थे, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, एंजाइटी हो गई थी, लेकिन अब ये समझ में आ गया था कि अगर सांस लेना, अच्छे से स्वस्थ रहना, तो मुंबई में ही हो पाएगा। मुंबई आया, किसी दोस्त ने मेरे को रखा, है ना, उसने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि एक हफ्ते में देख लेना कहीं। लेकिन उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो फिर जाने ही नहीं देता था। मैं थक के मुंबई आने लगा, मैं प्रोडक्शन हाउसेस से थक के घूमते घूमते चारों तरफ से डांट खा के मेरे को लगा कि अब मैं दिल्ली चले जाऊं। तो उसने रोक लिया कि नहीं यार, तेरा कुछ होगा। फिर टीवीएफ का एक एप्लीकेशन एक अप्लाई करने के लिए निकला, उसमें मैंने डाला, तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू, एक स्क्रिप्ट लिखने को दिया। मैंने स्क्रिप्ट लिखा और 2 महीने बाद उसका इंटरव्यू हुआ, तो 5 ही मिनट में उनको लग गया कि ये बंदा अपना है, समझ रहे हो ना, इसको लेना है, उन्होंने ले लिया। फिर मैं टीवीएफ में चला गया, फिर टीवीएफ में एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है। अभी तक तो कैसा रहा है भैया, मतलब आगे क्या प्लान है? जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स अब आ गए हैं, चाहे वो कैरी मिनाती हो, आशीष हो, बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने आप को कैसे अलग देखते हो उन सब से? देखो यार, मैं एक यूट्यूबर हो सकता था 2016 में भी, 2014 में भी, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने उसको आगे जारी नहीं रखा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इनसे इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और मुझे फिल्में बनानी है, लिखनी है, और YouTube उसका जरिया है, समझ रहे हो ना। YouTube मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है, और ये भी नहीं कि मैं YouTube को कोई एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। YouTube की ताकत मुझे पता चल गई, पहले मुझे नहीं पता थी, अब ये जाके 2020 में मेरे को पता चली। मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी उम्र में वो सारे स्टार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
मैं भी उन्हीं की तरह कंटेंट बनाऊं। उनका कंटेंट अलग है और सच कहूं तो मैं उन कंटेंट से रिलेट नहीं करता। मैं टीवीएफ जैसे कंटेंट से रिलेट करता था। अभी कोई इंडिविजुअल ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसको मैं देख के कहूं क्या ये है कंटेंट। नहीं है किसी का कंटेंट वैसा। और लेकिन वो है फेमस, 10 मिलियन 20 मिलियन, मैं उनकी सारी वीडियो देखता हूँ क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन है। तो लेकिन है कि ये है कि जो लोग देखें वो अच्छी नजर से देखें, बोले कि हाँ ये अच्छा बनाया, अलग बनाया है, बस यही कोशिश है। अब 2020 में जाके अब उनकी तरह तो पॉपुलर नहीं हो पाऊंगा, शायद 2-3 साल बाद थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। लेकिन जो भी जगह बनाई है, तुमने भी जिस हिसाब से मुझे अप्रोच किया होगा, कोई तो जगह बनाई होगी यार मैंने, है ना। हाँ, हाँ. तो मैं खुश हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ कम से कम। लेकिन ये मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, मेरे को अभी बहुत, तो ये तो बहुत पहली सीढ़ी है। तो आगे क्या प्लान है भैया, आप टीवीएफ के बाद क्या आगे क्या? या मैं तो सोच, मैं तो टीवीएफ के इंटरव्यू में ही बोला था कि मैं 2 साल रहूंगा, इससे ज्यादा इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मैंने बोला था कि टीवीएफ में मरने से पहले मेरे को एक बार रहना है, लेकिन फिर मेरे को टीवीएफ में भी नहीं रहना है। तो 2 साल पूरा होगा 2020 के एंड में, उसके बाद सोचेंगे। मेरे ख्याल से मैं आधा साल 1 साल और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कहीं रहना है तो नहीं है टिक के। मेरे को फिल्में बनानी है, मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, मेरी वेब सीरीज, मैंने वेब सीरीज लिखी हुई है, मेरे को वो वेब सीरीज बनानी है, टीवीएफ में भी लिख रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को, लॉकडाउन से पहले भी कुछ काम मिलने लगा था बाहर का। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लोर करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा आसान है एज एन एक्टर एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राइटिंग एक प्रोसेस है यार 2-3 साल का, उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। और मैंने अपनी जो फिल्में लिखी हो, मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। बेसिकली तो यही है कि यार मैं वेब शोज और फिल्मों में एंट्री कर सकूं एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, क्योंकि यार ख्वाब तो हमने बड़े पर्दे का ही देखा था हमेशा। तो भैया जो ये, और हाँ, ईमानदार इंटरव्यू जो है, जो हमारा शो है, लॉकडाउन ना होता तो 2-3 एपिसोड उसके और आ चुके होते, तो उसको कम से कम इतने एपिसोड बनाने हैं, उस लेवल तक ले जाना है कि अगर छोड़ दे भी तो लोग बार बार देख के याद करें, क्योंकि मैं वैसा ही करता हूँ जो मेरे को पसंद है। जैसे अर्णब का शो, अर्णब विद यू, जो टीवी ओटीटी का उछाल आया पिछले कुछ समय में, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेज़न आ गया है, तो आपको क्या लगता है टीवी रिप्लेस कर देगा पूरा? टाइम लगेगा लेकिन कर तो देगा। कमर्शियल मूवीज तक हम रिलीज करेंगे नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे, इस लेवल पे बात होती है। देखो यार, टीवी पूरी तरीके से रिप्लेस होना मुश्किल है। हमारे जीते जी तो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीवी भी ग्रो कर रहा है बहुत अलग अलग तरीके से, है ना। लेकिन हाँ, ये जो कंटेंट है काफी हद तक टीवी की जगह ले लेगा, आपके पास चूज करने के लिए होगा। हो सकता है यही एक नया टीवी बन जाए, है ना। नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजोन, बाकी जैसे बाकी चैनल्स होते हैं टीवी पे, ये अलग चैनल हो जाए तो जरूर ऐसा होगा। लेकिन क्या टीवी आने के बाद सिनेमा खत्म हो गया था? नहीं खत्म हुआ था ना। वीसीडी आने के बाद सिनेमा खत्म हुआ था? नहीं खत्म हुआ था। सिनेमा नहीं खत्म होगा, जो बड़े पर्दे का देखने का मजा है, जाके वहां पे खाना, वहां पे हैंग आउट करना, क्योंकि फील होता है कि चलो आज कुछ करते हैं, वो देख के आते हैं, देखना है नेटफ्लिक्स पे, तो वो नहीं जाएगा कभी। भाई आपकी सबसे अच्छी, या बोले सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही आफ्टर एंटरिंग टीवीएफ, जो मतलब आप याद करना चाहोगे ये सीखा है मैंने आज? यार टीवीएफ में जब मैं गया, तो मैं सच बताऊं, टीवीएफ में स्टार्स ही स्टार्स हैं, और सबको देख के मैं हैरान रहता था। मैं वहां पे कोशिश करता रहा कि मुझे छोटा सा कहीं रोल मिल जाए, मिलता ही नहीं था, कट जाता था अगर मिलता भी था। तो मैंने एक चीज सीखी कि जगह कैसे बनाते हैं, जगह बनाते हैं आप, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो आप क्रिएट करो। मैंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, समझ रहे हो ना। ईमानदार शर्मा बनने की कहानी भी वैसी ही है, और राइटर भी मैं इसीलिए बना था
क्योंकि देखो एक्टर कौन नहीं बनना चाहता, मैं एक्टर बनना है, बनने भी आया था मुंबई, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं मूल रूप से राइटर ही रहूंगा, क्योंकि राइटर ही मैं बनना चाहता था और राइटर सबसे बेसिक चीज देता है ना। अगर राइटर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखे तो उसमें किसी डायरेक्टर को मौका मिले, कई एक्टर्स को मौका मिले, उसको भी मौका मिल जाएगा एक्टिंग करने का। तो मैंने सोचा कि राइटर ही रहूंगा और मैंने राइटर ही रहा, और उसके बाद जब ईमानदार शर्मा आया फिर बाकी चीजें फेमस होने लगी तो मैंने एक्टिंग में टाइम देना शुरू किया। लेकिन ये मैं सीखा कि राइटिंग बेसिक है और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा तो अपॉर्चुनिटीज बनाओ, क्योंकि कब तक किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज मांगोगे यार। मैं वर्सोवा में रहता था, मैं देखता था रोज एक्टर्स उठ रहे हैं, जाके ऑडिशन दे रहे हैं, थक हार के आ जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो खुद बन सकते हैं, वो जो बनना चाहते हैं, उन्हें दूसरों के ऑडिशन में सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये लर्निंग है मेरी, जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब क्रिएट करो। भैया बोलते हैं कि हर एक्टर मतलब अपने आसपास से ही सीखता है, आसपास से ही आइडियाज उठाता है, चाहे वो राइटर हो चाहे एक्टर हो। आपको ये ईमानदार वाला है मतलब इतना कॉमन हो सकता है यार? जब ईमानदार की वीडियोस फेमस हुई तो कुछ मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें तू एक्टिंग नहीं करता, इसमें तू वो होता है जो तू था, समझ रहा ना? कि ये कैरेक्टर तो था मेरे अंदर, लेकिन क्योंकि हाँ वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी 6 महीने बाद जब टीवी पे काम नहीं मिल रहा था, अंदर ही एक्टिंग तो मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। और उसमें एक दिन सेल्फी कैम में 15 अगस्त का ऑनेस्ट देशभक्त बना दिया मैंने। फिर मैं और अभिषेक हम साथ में जैम कर रहे थे, आइडिया आया, हम दोनों ही लिखते हैं क्योंकि वो भी टीवी पे राइटर है, तो हम पता नहीं थे कि ये कैरेक्टर बन जाएगा। फिर एक ईमानदार, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम बनाया, ईमानदार बर्थडे बनाया, फिर ईमानदार बॉयफ्रेंड बनाया और इसका नाम फिर रख दिया ईमानदार शर्मा। ऐसे मैंने बोला था कि ईमानदार कुमार इसका नाम रख दो, जो भी पोस्ट करेगा, उसने भूल गया, वो ईमानदार शर्मा लिख दिया, ईमानदार शर्मा नाम पड़ गया। फिर ये वायरल होने लगा, फिर धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ कि इसका शो लॉन्च हो गया। तो अगर मैं ना कर रहा होता, मैं थक हार के कि यार अब तो मेरे को इतने सारे एक्टर्स हैं टीवी में, मुझे क्या मिलेगा, अगर वो थक हार के मैं अपना कुछ क्रिएटिविटी नहीं निकालता, कहीं भड़ास नहीं निकालता, कुछ वीडियोस बनाने नहीं शुरू करता, तो ये सब नहीं होता ना। सही बात है भाई। बाकी आप काफी मूवीज देखते रहोगे, अभी रिसेंटली दो बड़ा नुकसान हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री को, चाहे वो ऋषि कपूर इरफान खान रहे, आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी थी दोनों? यार मेरे को तो यार इरफान खान पे रोना ही आ गया यार, क्योंकि मैं और मेरे एक रूममेट है जो अभी यहाँ पे नहीं है, इरफान खान की फिल्में बार बार देखते थे कि यार क्या एक्टिंग करता है, ये सीखना है। हासिल देख रहे थे, मकबूल देख रहे थे लॉकडाउन से पहले, और विश्वास ही नहीं हुआ कि चलेगा। लेकिन खैर मेरी फेवरेट फिल्म इरफान की यार पान सिंह तोमर ही रहेगी, पान सिंह तोमर है मेरे ख्याल से। हिंदी मीडियम में एफर्टलेस एक्टिंग कोई ना किया है ना कर पाएगा यार, कुछ बात थी यार वो आंखों में, और जो मेरे को सबसे अच्छा जो उसका एक्सप्लेनेशन लगा है ना ये इरफान खान की एक्टिंग का, कि कैजुअल इंटेंसिटी, वो कैजुअल इंटेंसिटी नहीं है। या तो लोग इंटेंसिटी दिखाते हैं, कैजुअलिटी दिखाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, वो कैजुअल इंटेंसिटी कहाँ आएगी यार अब। वो है ऋषि कपूर की तो खैर बहुत ही फिल्में पसंद है मुझे, लेकिन यार मुझे अग्निपथ में जो राउफ का मतलब नफरत हो गई थी यार कैरेक्टर से, तो जब नफरत हो जाए ना कैरेक्टर से किसी, समझ लो काम कर गया बंदा। वही वही वही। बाकी भैया लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि इतने लोग हैं जो इस चीज को पसंद करते हैं, चाहे वो टीवीएफ हो ओटीटी हो, बट या तो लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं पता है या लोग घबरा जाते हैं, आप जाएंगे होगा नहीं होगा, तो कुछ एडवाइस उस स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए यार चाहती है? मुझे नहीं लगता कि मेरे से मुश्किल रास्ता किसी को अपनाना पड़ा होगा। मैं बहुत डिप्रेशन में भी गया, मैं रातों की नींद खराब हुई, बहुत ज्यादा उधार लिया, घर से गालियां सुनी, भागा, कहाँ कहाँ रहा है ना, कहाँ कहाँ मारा फिरा, मैं थका नहीं। मेरे को भी लोगों ने बताया था कि मुंबई में किसी का कुछ नहीं होता, तुम कुछ भी कर लो,
लेकिन मुझे पता था कि मैं तो कोशिश करूंगा तो मेरा हो जाएगा, मैं जो भी करूंगा वो हो जाएगा। और मैं जिस जो भी मेरे को सुन रहा है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई बस लॉजिकल सोचना, ये मत सोचना कि चांद पे हम बिना ऑक्सीजन के जी लेंगे, समझ रहे हो ना, वैसा मत सोचो। लेकिन जो भी सपना देख रहे हो ना पूरा होगा, क्योंकि इतने लाखों लोग वही काम कर रहे हैं जो तुम करना चाहते हो, भले वो टेक्नोलॉजी में है, स्टार्टअप में है, राजनीति में, वो कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पाओगे यार? तुम क्या सोच रहे हो? लोगों के कहने पे मत जाओ, तुम अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पेशेंस रखो, क्यों नहीं होगा, होगा, होता है। थैंक यू भैया, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, मतलब मैं पर्सनली आपका फैन हूँ, मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखता हूँ, लाइक करता हूँ, और थैंक यू वंस अगेन। और मतलब मेरे व्यूअर्स, मैं यार बिट्स पिलानी का नाम तो मैंने काफी सुना था यार, बिट्स पिलानी जब मैं तैयारी करता था तो कई लोग IIT छोड़ के बिट्स में चले जाते थे, मैंने कहा कि यार मैं भी यार कभी कहीं बिट्स में हो जाए, लेकिन बिट्स महंगा बहुत होता है मैंने सुना है, तो हाँ थोड़ा प्राइवेट है तो महंगा तो है, पर अच्छा है भैया आप सही जगह पे हो, मतलब